हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और हाजिर हूँ एक और आपके साथ वीडियोस लेके, जिसका नाम है, वीडियो का नाम है ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम द चैनल 7 स्टार मीम्स। तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इनका चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के मीम्स कैसे होने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। जो दिल से साथ है उनके लिए यहाँ पे जगह है, और दोगलों के लिए भी जगह है पर थोड़ी नीचे है। अरे मैडम, मैं बहुत बड़ा दोगला हूँ। मैं इससे बड़ा दोगला, मैंने MBA करके रखा दोगले में, मेरा रनिंग चल रहा है दोगले में। मैं तो इतना बड़ा दोगला हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ के रखी। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? What kind of dog is that? मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं आउल हूँ। आउल, उल्लू, उल्लू। तुझे पता नहीं है मैं रात को देख सकता हूँ, लेकिन तेरी तो गांड मैं सुबह मारूंगा। कुत्ता ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे सर। हाँ मम्मी, मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तू समझा? सबसे अलग, सबसे नहीं। एक ही टाइम पे आप दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाए, क्या करोगे? डे मेरे साथ, नाइट के साथ। क्या बोले तूने? डे मेरे साथ, नाइट प्यारी समझ गई। जान दे देंगे इसके लिए। ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाए तो बस हो गया, मजे मजे। ये रहा नहीं जाता, तड़पी ऐसी है ना। क्या कर रहे हैं? लगाते हो क्या? चुप रहो, तुमको तो कुछ पता है नहीं, बस बड़बड़ करते रहते हो। चुप रहो। हाँ हाँ, लेकिन साहब, मैम साहब चिल्लाए क्यों? चूहा आया था क्या? हाँ चूहा आया, बड़ा सा काला काला। हाँ? बिल ढूंढ रहा था। चूहा बड़ा था, बिल छोटा था, इसलिए ये चिल्लाई। समझ रहे हो? इश्क करो, वफा करो, फिर भी वो औकात दिखाए तो चोट चाट कर दफा करो। अच्छा बात नहीं है। हाय मेरी मम्मी। हाय आंटी जी, आप इतने ज्यादा कूल हो कि आप अपनी बेटियों के साथ बैठे हैं। इतनी मॉडर्न मम्मी कैसे मिलती है? पापा भी है। प्रैंक हो गया। ये आपकी क्या लव मैरिज हुई थी अंकल? नहीं, अरेंज मैरिज के बाद भी इतना ज्यादा प्यार? क्या करते हैं आप अंकल? हम लोगों को शादी हुए 20 साल हो गए। आप क्या काम करते हो अंकल? सरकारी नौकरी? No. आपके कितने डॉटर्स हैं यहाँ पे? 2 डॉटर्स। नाइस। ओके यू गाइस कैरी ऑन। आंटी तुमने लाइक क्या ऐसा करा है जो आपके हस्बैंड इतने कूल है? आंटी बोल सकते हो ना? मम्मी बोल कि वैसे आप लग नहीं रहे। मम्मी 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 बोलूंगा तो ऐसा लगेगा ना मैं आपका दामाद हूँ। कर दिया ना दीवाना। तुम तीनों को लेकर
फिल्म सोच रहा हूँ मैं। भैया कौन सी? पूरी बात तो सुन लो, तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ कि ना ही बनाओ तो ही अच्छा। वैसे मैं सोच रहा था अपनी बेटी की शादी में एक जबरदस्त सिंगर को बुलाऊंगा, और क्या किस्मत, मीत ब्रोज मिल गए। हेलो, आपके पास ए आर रहमान का नंबर है? वैसे ये लो मीत ब्रोज, एडवांस रखो। अरे क्या बात है, थैंक यू। अबे पहले पूछ तो ले डेट खाली है कि नहीं है। जब जेब भरी होती है ना तब डेट अपने आप खाली हो जाती है। बता, अगर इतना ही पैसा है तुम्हारे पास तो यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट। टाइम इज मनी, अभी तो वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ लेकिन एक बात याद है, तुम्हें लगता है ना बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, ये पैसे रखो, दिमाग का इलाज करवाओ। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। आई भगवान, इतना छोटा सा लड़का ले लिया है इन सबका। गाइस ये थी आज की वीडियो, तो आप बताओ कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो और मेरा ना वैसे टीम मोटिवेट्स ही हो जा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो, यार देखो मज़े आएंगे। चलो बाय।